हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, जो रैपिड रेल जो पहले दुहाई तक ही चल रही थी, अब आपके शहर मोदी नगर तक भी आने लग गई है। अब क्योंकि मोदी नगर मेरा भी शहर है, मैं भी मोदी नगर से ही हूँ, तो इस चीज़ की मुझे भी काफ़ी खुशी है और आप सभी को भी काफ़ी खुशी इसकी होनी चाहिए। तो गाइस, क्योंकि आज ये पहले दिन मेट्रो जो है रैपिड रेल, जिसको आप कह रहे हैं पीछे स्टेशन देख सकते हैं मेरे, ये आज पहले दिन चल रही है। तो आज हम पहले ही दिन इसमें जाकर आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा है मोदी नगर स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसी है इस रैपिड रेल की सर्विसेज। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले तो मेट्रो में सफ़र करते हुए मिल गए हैं हमारे नीरज कौशिक जी। सर, कैसा लग रहा है आपको मेट्रो में पहली बार मोदी नगर में सफ़र करते हुए? भाई बच्चे जी, क्या बताएं, आज का एक्सपीरियंस अनुभव बहुत शानदार रहा। मोदी नगर के लोगों के लिए मेट्रो स्पीड ट्रेन आज हमने यात्रा की इसमें और मुरादनगर तक हम गए। मात्र 13 से 14 मिनट में एसी में बैठ के ऐसे लगा जैसे एरोप्लेन की यात्रा कर रहे हैं। बच्चे कह रहे थे कि आज शुरू हुआ, आज ही चलें। हम गए, बहुत शानदार लगा और मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को कि ऐसी सुविधाएं हमारे मोदी नगर में आई हैं और इससे पूरे क्षेत्र का एक नया विकास के नए पंख लगे क्षेत्र को। युवाओं को रोज़गार के लिए नोएडा जाना, दूर दूर तक जाना, तो वो सब बहुत जल्दी बहुत कम समय में संभव हो पाया। भारत की पहली स्पीड ट्रेन है ये और बहुत शानदार अनुभव सबका रहा है। मैं कहूँगा कि सब लोग आएँ, इस ट्रेन का लाभ उठाएँ और जो मोदी योगी जी द्वारा कार्यक्रम किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आकर के लोगों का एक्सपीरियंस अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। और बड़ी बात है, क्योंकि मीडिया की हेडलाइन चलती है लेकिन ग्राउंड जीरो मुझे दिखता कोई पत्रकार या कोई चैनल वाला या नहीं। तो मैं आपको भी शुभकामना दूंगा कि आप यहाँ कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो गाइस, देखा अभी आपने इसमें ट्रैवल करने वाले नीरज कौशिक जी का एक्सपीरियंस। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले तो स्टेशन के अंदर। और ये एलिवेटर्स भी चल चुके हैं, तो चलिए इनसे ही चलते हैं। थोड़ा बहुत आवाज़ आपको आ रही होगी क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं अभी काम चल रहा है थोड़ा बहुत। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं और यहाँ से मोदी नगर वाले जो भी लोग हैं वो देख सकते हैं कि ऊपर आने के बाद कहीं भी आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि ये अपना मोदी नगर ही है और ऐसी सर्विस, ऐसी सुविधा या ऐसा स्टेशन देखने के हो आपको मोदी नगर, वो भी एक नहीं दो दो स्टेशन ऐसे आपके मोदी नगर में अब हैं। हाँ जी मैम, आपको कैसा लग रहा है इसमें पहली बार ट्रैवल करके? नहीं, मैं दूसरी बार ही ट्रैवल कर रही हूँ। आप दूसरी बार ही कर रहे हैं लेकिन मैं आप मोदी नगर पहली बार आए हैं इस ट्रेन को यूज़ करके? फर्स्ट टाइम पहले मैंने दुहाई तक किया था, अभी मैंने अपने मोदी नगर तक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो टाइम बचा। तो आप डायरेक्ट साहिबाबाद से आ रहे हैं? हाँ जी। कितना टाइम लगा आपको वहाँ से यहाँ तक मोदी नगर नॉर्थ पहुँचने में? 30 मिनट। तो 30 मिनट में आप यहाँ मोदी नगर नॉर्थ स्टेशन पहुंच चुके हैं साहिबाबाद से। नॉर्मली अगर आप बस से आते तो आपको कितना टाइम लगता है? बस से तो लगता है मुझे 1.5 घंटे। मतलब 1.5 घंटे का सफ़र आपने RRTS की नमो भारत ट्रेन को यूज़ करते हुए मात्र आधे घंटे में कर लिया है। तो गाइज, ये रहा पूरा RRTS का मैप। अभी हम हैं मोदी नगर नॉर्थ स्टेशन पर और यहाँ से हम जाने वाले हैं मोदी नगर साउथ को क्रॉस करते हुए मुरादनगर, और मुरादनगर से फिर हम वापस आएंगे। अब क्योंकि ये 3 ही स्टेशन नए हैं, बाकी का जो रूट है जो कि साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक अब ये चल रही थी, अब मुरादनगर मोदीनगर साउथ और मोदीनगर नॉर्थ, और मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन है जिस पर अभी हम खड़े हैं। तो ये 3 स्टेशन पर अब हम जाने वाले हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक्सटेंड होगी मेरठ साउथ तक और उससे आगे फिर इसी के पैरेलल मेरठ मेट्रो जो है वो भी रन करेगी।
तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरे वाला एग्ज़िट गेट है ये अभी क्लोज है क्योंकि दूसरी साइड का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट जो है वो हो जाएगा जिस स्पीड से इनका काम होता है आरआरटीएस का। यहाँ देख सकते हैं इस समय मोदी नगर नॉर्थ के आरआरटीएस स्टेशन पर मैं हूँ। देख सकते हैं कितनी सफाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और लोग यहाँ पर कितने खुश हैं। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर, टिकट हमने ले ली है। अब यहाँ से एंट्री करने के बाद जब आप आएंगे तो इस साइड आप देख सकते हैं, इधर से अगर आप ऊपर जाएंगे तो मोदीपुरम यानी कि मेरठ की साइड जाने वाली मेट्रो की तरफ आप जाएंगे, और इधर की तरफ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ लिखा है टुवर्ड्स सरायकालेखा। इधर की साइड से जो मेट्रो जाएगी वो सरायकालेखा की तरफ जाएगी। समय हम ऊपर प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अभी तो इनॉग्रेशन हुआ है तो अभी फूल वगैरह लगाकर पूरा सजा रखा है। नेक्स्ट जो मेट्रो आएगी वो आएगी 6:18 पर। अब देख सकते हैं अगर आप दूसरी स्टेयरकेस से चढ़ते तो आप दूसरी साइड आते, अपोजिट साइड जो कि मेरठ जाने के लिए है, और इस साइड अगर आप आए हैं राइट साइड वाली स्टेयरकेस से तो आप प्लेटफॉर्म पर इस साइड चढ़े हैं। यहाँ से आप जाएंगे सरायकालेखा की तरफ। तो गाइज़ ये है नॉर्मल प्लेटफॉर्म और दूसरा आप देखेंगे ये प्रीमियम लाउंज है। अगर आपके पास में प्रीमियम टिकट आपने लिया है प्रीमियम ट्रैवल करने के लिए तो आप यहाँ पर उसको स्कैन करके आगे जा सकते हैं इस प्रीमियम लाउंज में। तो यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल जाती हैं जैसे ऊपर फैन वगैरह है, बाकी सारी चीज़ें आपको हम बाद में दिखाएंगे। तो प्रीमियम लाउंज के लिए आपको प्रीमियम टिकट लेनी पड़ती है और इसमें जो कोच होता है वो भी यहीं तक ही आता है, तो प्रीमियम लाउंज का प्रीमियम कोच होता है। तो भाई एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब तक ये बटन आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये डोर नहीं खुलेंगे। ये देखें अब आप जब बटन प्रेस करेंगे तभी यहाँ के डोर ओपन होंगे। सो गाइस अब हम आ गए हैं मोदी नगर नॉर्थ स्टेशन से, गाड़ी चलने वाली है और अभी टाइम हुआ है 6:21। तो अब हम देखते हैं ये मुरादनगर कितने मिनट में पहुंचाती है। चार्जिंग सॉकेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यूएसबी पॉइंट्स हर सीट पर दो दो, और साथ ही में ही लगेज रखने के लिए ऊपर रैक्स भी आपको मिल जाते हैं जो नॉर्मल मेट्रोज में आपको नहीं मिलते हैं। तो गाइस अभी ये मोदी नगर में चल रही है और स्पीड अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखता हूँ इसमें दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, 94, 95, 97, 98 and 100 किलोमीटर पर आवर इसने मात्र कुछ सेकंड्स में कंप्लीट कर लिया है। अभी भी बढ़ रही है, मैक्सिमम स्पीड इसकी 180 है और एवरेज स्पीड जिस पर ये चलेगी वो 160 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितनी जल्दी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुँच जाएगी। तो अब हम पहुँच चुके हैं मोदी नगर साउथ, नॉर्थ से हम चले थे मात्र 2 से 3 मिनट। नॉर्मली आप आते हैं तो आपको बाय रोड लगता है 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट का, वही आप 2 से 3 मिनट में आप मोदी नगर नॉर्थ से मोदी नगर साउथ पहुंच चुके हैं।
तो 6:26 पर ये चल भी चुकी है मोदीनगर साउथ से, और अब इसका डायरेक्ट स्टॉप जो है वो है मुरादनगर। मोदीनगर से मुरादनगर में अगर आप जाते हैं तो आपको मिनिमम आधा घंटा तो चाहिए ही चाहिए होता है, और ये देखते हैं कितने मिनट में पहुंचाती है। इसमें ट्रैवल करने का मज़ा बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि आपको रोड पर ट्रैफिक नहीं देखना पड़ता है, रोड पर गड्ढे वगैरह होते हैं, इतनी ख़राब रोड है नीचे, और यकीन नहीं हो रहा है कि उसी रोड के ऊपर हम इस स्पीड से चल रहे हैं, धूल मिट्टी से बचे हुए एसी में, और रोड पे आपको लगता है आधा घंटा, उसमें आपको लगता है सिर्फ 5 मिनट। तो गाइस अभी सिर्फ हमें 5 मिनट हुए हैं 26 से 31, 5 मिनट में आप मोदीनगर से मुरादनगर आ गए हैं। 30 मिनट का समय सिर्फ 5 मिनट में कन्वर्ट कर दिया इस RRTS की नमो भारत ट्रेन ने। हाँ जी, आप मात्र कुछ मिनट में मोदीनगर नॉर्थ से मुरादनगर पहुंच गए, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपका रिपोर्टर है? हाँ जी। अच्छा, कौन से उसके? मेरा यूट्यूब पे चैनल है, कैसा लग रहा है मैम आपको भी? बहुत अच्छा। तो आधे घंटे का समय आपने कुछ मिनटों में ही कर लिया है। आप कहाँ से हैं? मुरादनगर से ही है? मोदीनगर। तो मोदीनगर नॉर्थ से? मोदीनगर नॉर्थ से। तो स्पेशली मतलब आपको मुरादनगर कुछ काम नहीं है, सिर्फ ट्रैवल करने के लिए आप आए हैं? देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए कि हमारे क्या फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने। कैसी लगी मैम आपको ये फैसिलिटी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मुरादनगर के RRTS स्टेशन पर। देख सकते हैं जैसे मोदीनगर में एक साइड का बंद है गेट, एक साइड से स्टेयर गेट बंद है क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है, मुरादनगर में भी इसकी साइड का बंद है बट दूसरी साइड का खुला हुआ है, वहाँ पर वहाँ से आप आ जा सकते हैं। जैसे अभी पीछे ट्रैवलर और भी आ रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से लेने वाले हैं वापस का टिकट मोदीनगर के लिए, सिर्फ आप लोगों को ये जर्नी दिखाने के लिए, मोदीनगर का स्टेशन दिखाने के लिए और मुरादनगर का स्टेशन दिखाने के लिए ही ये वीडियो बनी थी। साथ में टाइम आपको पता लग गया कितना लगता है, जो आधे घंटे का टाइम था वो कन्वर्ट हो चुका है सिर्फ 5 मिनट में। आई होप कि ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कि और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइस।